अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आपको पता है कराची में इज्तिमा चल रहा है, तो आज हम जा रहे हैं उसी साइड पे। पिछले दो दिन से मैं कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं जा पाए, तो आज अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, आज हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको भी लेके चलते हैं, आप भी देखिए हमारे साथ वहाँ पर कितनी दुनिया आती है, कितने लोग आते हैं, लोग बड़े जोश और खरोश के साथ ऐसी चीज़ों में हिस्सा लेते हैं, आपको पता है। तो चलिए बाकी की बातें आज वहीं पर करेंगे। तो यार ये बलोचपुर आ गया है, यहीं पे हमारा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से हसीब भाई की बाजू टूट गई है। इसी जगह पे हम लोग गिरे थे, यहीं पे एक्सीडेंट हुआ था, तो जिसकी वजह से हसीब भाई ज़ख्मी हो चुके हैं, उनका बाजू टूट गया। आज वो हमारे साथ नहीं है, अल्लाह उनको खुश रखे। आप भी उनके लिए दुआ करना कि हमारा भाई जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए, यार बहुत मिस करते हैं हम उसको। A few moments later. तो यार अभी हम लोग ना पीछे घुस गए, काफ़ी पीछे हम लोग ना यहाँ पे रास्ता भटक गए थे, तो हमारे को बंदे ने अंडरस्टैंड किया, वो भी उधर जा रहे हैं, तो वो बोलते हैं हमारे साथ साथ चलो। अभी चल रहे हैं हम लोग, काफ़ी इधर खड़े भी हैं, काम पे जा रहे हैं, तो आइए हम आपको वहीं से भी मिलवाते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? लाड़काना से। अच्छा, ये लाड़काना से आए भाई, आप देख सकते हैं बड़े दूर से सफ़र तय करके आ रही है भाई, अल्लाह इनको खुश रखे। देखो ये लाड़काना से भी आके हम लोगों को यहाँ पे रास्ता बता रहे हैं कि हमारे साथ चलो। आप अकेले कोई और भी आए आपके साथ? और भी हैं इनके साथ, और भी लोग हैं, तो अल्लाह इनको खुश रखे यार, इन लोगों ने हमारे को रास्ता बताया, बड़े अच्छे बोल रहे हैं। तो भाइयों यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे तकलीफ वाले भाई जा रहे हैं, इसी से आप अंदाजा लगा लें कि आज वहाँ पे कितना रश होगा। आज दुआ का दिन है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह से। इतनी तो यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं है जितने यहाँ पैदल लोग चल रहे हैं, इतनी तो यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं है जितने यहाँ पैदल लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं, आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पे कितना रश है, लोग किस तरह से आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रश है यहाँ पे, आपको हम दिखाते हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे बड़ी मुश्किल से है, नीचे से आवाज़ें भी मार रहे हैं कि नीचे आ जाओ, यहाँ पे खड़ा होना अलाउ नहीं है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे खड़े हैं अभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह रश है, अभी मज़ीद रश बढ़ता जा रहा है, लोग आ रहे जा रहे हैं यहाँ पे और अभी, तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी जगह है। हम लोग गेट नंबर 6 से अंदर हुए, ये यहाँ की सूरत हाल है भाई, आप देख सकते हैं सामने, देखिए रश। तो हम लोगों ने अभी अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद वापसी हम लोग इधर ऊपर आ गए, नीचे जगह नहीं है यार बैठने की, तो इसलिए ऊपर ही हम पहाड़ी पे आए हुए। तो देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत मंजर है यहाँ पे, अभी लाइटें भी ऑन कर दी हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी जगह है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपने देख लिया होगा यहाँ पर कितनी रौनक लगी हुई थी यहाँ पर, अभी भी देखें आप लोग यहाँ पर हमारे पीछे जा रहे हैं, तो अभी इसके बाद फजर का टाइम शुरू हो जाएगा, और फजर की जमात के बाद जैसे ही वो दुआ स्टार्ट हो जाएगी, तो दुआ में हम शामिल होंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद क्या पता मौका मिले वीडियो बनाने का ना मिले। तो आपसे यहीं तक के लिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।